सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर बंदे पे। मैं हूँ आपका होस्ट शाबाज, और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं इसके ऊपर। जी हाँ, तो हमने ये माइक मंगाया हुआ है, और ये काफ़ी दिनों से मंगाया हुआ था, बट इसको यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इसका अनबॉक्सिंग एक रिव्यू करना था, इसीलिए। एक रूम के अंदर इसका नॉइस कैंसिलेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है, और आउटडोर में शूट करने पर इसका नॉइस कैंसिलेशन कितना ज़्यादा अच्छा है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे इस अनबॉक्सिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ये जो है हाई फास्ट का फ़ोन होल्डर, ये भी हमने अमेज़ॉन से ही मंगाया है। इसके अंदर एक्चुअली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी थी चेक करने के लिए कैसा है क्या है। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमको एक एलेंकी मिलती है, और ये है वो फ़ोन होल्डर। तो इस तरीके का फ़ोन होल्डर है, ये फुल्ली मेटालिक है, और क्या कहते हैं इसको, ये इस तरीके से लूज़ भी होता है। ये लूज़ करके हम हमारे मोबाइल को सेट कर सकते हैं। और ये जो हिस्सा है ये स्कूटी के मिरर में लगता है, और हम इसको इस तरीके से, आप देख सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं 360 में। जैसे आपको अपना मोबाइल रखना है, आपको लैंडस्केप मोड में रखना है या पोर्ट्रेट मोड पे रखना है, आपको जैसे रखना है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये इसके साथ में कुछ कार्ड जो कि रिव्यू कार्ड है, और ये इसका मेड इन चाइना, ठीक है, ये कुछ काम का नहीं है। और क्या है, और ये कुछ स्टिकर दिए हुए है। ओके, तो ये शायद कुछ काम की चीज़ें हो सकती है, ये हम देखेंगे क्या काम आते हैं। एक बार हम सारी चीज़ें समझ लें स्कूटी पे लगा के, फिर आपको दिखाएगा कि ये स्कूटी पे कितना स्टेबल है, मोबाइल को कितने अच्छे से होल्ड करके रखता है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ग्रेनैरो का व्लॉगिंग माइक, जो कि हमने हमारे व्लॉगिंग के लिए स्पेशली मंगाया हुआ है वायरलेस माइक। इसको भी हमने ओपन कर लिया था टेस्टिंग करने के लिए कि ये कैसा काम करता है, इसीलिए क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें मंगाई है, तो हमको देखना ज़रूरी है कि सब चीज़ें प्रॉपरली हमको मिले। जैसे कि ऐसा इसका बॉक्स पैकिंग है कुछ इस तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले, 20 मीटर्स, एक्सेसिबल रिसेप्शन, प्रिसाइज रेडियो, क्लियर, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये दो माइक है, इसमें आप एक ही बार में दो लोग भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके लिए भी यूज़फुल है। अगर आपका एक माइक की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरा माइक भी यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो पहले इसको ओपन करते हैं, ये ओपन हो गया। सबसे पहले इसमें देखने मिलता है हमको वारंटी कार्ड, उसके बाद में हम देखते हैं ये रहा माइक। माइक को बाद में खोलेंगे, सबसे पहले और क्या क्या चीज़ें वो भी देख लेते हैं। और ये शायद से यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ खुल जा, ये कुछ इसमें शायद से चार्जिंग की वायरें होगी, ऐसे ही लग रहा है। ओके, तो हाँ जी, तो ये USB टाइप सी वाली चार्जिंग वाली वायर है, और ये कुछ USB OTG दिया हुआ है। ये एप्पल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपका एप्पल फ़ोन है, जैसे हमारा तो एप्पल 13 है, आपको पता है। अगर आपने हमारा एप्पल 13 का बाइंग वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी आप जल्दी से जल्दी देख लीजिए, आई बटन पर लिंक दे दूंगा। इसका क्या यूज़ है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, और इन दोनों का भी क्या यूज़ है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो इसको पहले रख देते हैं हम, और हमारे बढ़ते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ। तो ये है हमारा स्पेशली, कुछ इस तरीके से है हमारा बॉक्स। जैसे कि आपने देखे होंगे एयरबड्स के बॉक्स भी आजकल ऐसे ही आते हैं, कुछ इस तरीके से है। ये चार्जिंग पोर्ट है, अगर आप चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पे लाइट जलेगी। और ये रहा, ये ओपन हमने कर लिया है। देखिए ये जो पोर्ट है ये आपके मोबाइल में लगेगा, और ये जो है ये दोनों माइक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैं इसको, इसके अंदर भी चार्जिंग हो सकती है, तो ये एज अ चार्जिंग केस भी काम करता है। आप देख सकते हैं दोनों माइक इसके अंदर रख के चार्ज होते हैं, जैसे कि हमारे एयरबड्स होते हैं कुछ उसी तरीके से। तो काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब ठीक है, अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं कह सकते इसको, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, मैट फिनिशिंग का है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो माइक है, माइक आप देख सकते हैं नीचे से इसका चार्जिंग का है, जो कि आप अंदर बॉक्स के रखेंगे तो चार्ज होएगा। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से हमारी आवाज़ ये खींचेगा, तो कुछ इस तरीके से है ये, काफ़ी अच्छा है। और हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका यूज़ कैसा है। तो ये आप अपने एप्पल के मोबाइल में लगा सकते हैं और इसको कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइप सी वाला फ़ोन है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो चीज़ है ये क्यों दी गई है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका माइक जो है कैस किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, किस तरीके की आवाज़ दे रहा है, कितना नॉइस कैंसिलेशन है, तो आप इसको सबसे पहले इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपनी वायर वाली हेडफोन लगा के आप अपने कान में डाल के सुन सकते हैं कि आपकी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है आपको, ठीक है। तो इसका भी काम सेम वही है और इसका भी काम सेम वही है, ओके। तो आप टेस्ट कर सकते हैं अपने आवाज़ को इसके थ्रू। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं एप्पल यूज़र हूँ तो एप्पल का हमारे पास फ़ोन है, तो सबसे पहले ये तो एप्पल इसमें घुस नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये इसीलिए दिया गया है ताकि हम इसका यूज़ कर सकें। तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया और इसको हमने इस तरीके से लगा दिया, तो यहाँ पे एक बत्ती जलेगी और फिर उसके बाद में हम इस माइक को ले गए और इसको प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करके होल्ड करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले तो रेड लाइट जलेगी, ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब आपका जो माइक है वो कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होना रुक गई है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे रेड ग्रीन लाइट आ चुकी है, मतलब ये कनेक्ट हो चुका है, ओके। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो माइक है ये सिर्फ आपका माइक जो है कनेक्ट हुआ है आपके मोबाइल में, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहला प्रेस करेंगे तो इसका जो माइक मतलब नॉइस कैंसिलेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक और बार प्रेस करेंगे तो लाइट एक बार ब्लिंक होगी, यानी आपका नॉइस कैंसिलेशन का स्टेज वन है। आप इसको दूसरी बार प्रेस करेंगे तो लाइट दो बार ब्लिंक होगी, मतलब आपका नॉइस कैंसिलेशन का ये सेकंड स्टेज है। और आप तीसरी बार इसको प्रेस करेंगे तो ये तीन बार ब्लिंक होगी, मतलब आपके नॉइस कैंसिलेशन का ये थर्ड स्टेज है। और तीसरे स्टेज में बाहर की आवाज़ नहीं आती है, ऐसा ये कहते हैं। जो माइक है हम इसको सबसे पहले टेस्ट करेंगे हमारे रूम के अंदर कि ये कितना नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है इसका। मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ये बिना माइक के बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ भी आ रही रहेगी। और हम इसको टेस्ट करेंगे इसका पहला नॉइस कैंसिलेशन कैसा है, दूसरा स्टेज कैसा है और तीसरा स्टेज कैसा है, हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे। और मैं फैन भी लगाने वाला हूँ ताकि इसमें और ज़्यादा इसको मतलब क्या कहते हैं, इसका और अच्छे से मैं टेस्ट कर सकूँ। और इसके बाद हम बाहर आउटडोर भी टेस्ट करेंगे कि इसका आउटडोर कैसा है। आउटडोर में भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेज को हम देखेंगे कि किस तरीके से। अभी आपको आप देख सकते हो कि बाहर की थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ ही रहेगी इस रूम के अंदर। ये मैंने माइक लगा लिया है, मैंने इसको ऑन कर लिया है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे और इसका कनेक्टर मोबाइल में लगा रहेगा तो आपको आपकी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी, इसलिए माइक को ऑन करना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। सबसे पहले हम हमारे रूम के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, माइक ऑन है, माइक का नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव नहीं किया है मैंने। जब मैं इसको पहली बार दबाऊंगा तो फर्स्ट लाइट ब्लिंक होगी, दूसरी बार दो लाइट, तीसरी बार तीसरी लाइट और थर्ड स्टेज पे नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहेगा। लेकिन इसको हम अभी रूम के अंदर तो मेरी आवाज़ अच्छी ही आने वाली है, तो इसलिए हम सबसे पहले फ़ैन लगाते हैं। फ़ैन लगा के चेक करते हैं क्योंकि फ़ैन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, तो उससे पता चलेगा कि नॉइस रिडक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं सबसे पहले फ़ैन को फटाफट ऑन कर लेता हूँ। तो आपको अभी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी अगर आप देखोगे तो। जी हाँ, तो फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी। अभी सबसे पहले हम पहला इसको इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर लेते हैं। देखिए, एक बार लाइट ब्लिंक हो चुकी है और अब ये है पहला स्टेज जिसमें फ़ैन की आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आवाज़ है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। पहला स्टेज इसका ठीक ठाक है, अब दूसरे स्टेज पे चलते हैं। दूसरी बार मैं इसको प्रेस करता हूँ तो दो बार लाइट ब्लिंक होगी। जी हाँ, दो बार लाइट ब्लिंक हो चुकी है और अब इसका नॉइस कैंसिलेशन कैसा आ रहा है, आपको फ़ैन की आवाज़ पहले स्टेज में कैसी थी, दूसरे स्टेज में कैसी थी, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेज की तरफ। तीसरी बार हम बटन दबाए गए, सेकेंड स्टेज भी ठीक ठाक है,
मतलब आपको नॉर्मली आवाज़ नहीं ज़्यादा आएगी, ये फ़ैन की आवाज़ थोड़ी थोड़ी तो मुझे आ रही है। अभी मैं थर्ड स्टेज को एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। जी हाँ, 3 बार ब्लिंक हुआ है। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन किस तरीके से है आप बता सकते हैं? आपको महसूस हो रहा है कुछ अलग से आवाज़ आ रही है? नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है इसका? एक बार मैं भी इस वीडियो को फिर से पॉज करता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि प्रॉपरली है या नहीं है। हाँ जी, तो एक रूम के अंदर इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बिना पंखे के तो ये और ज़्यादा अच्छी आवाज़ देगा, और ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन अच्छा देगा। मैंने फ़ैन को बंद कर दिया है और अभी मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा क्लियर आ रही होगी। और क्या बताओ, अच्छा तो लग रहा है मुझे, माइक काफ़ी अच्छा है, इम्प्रेसिव है एक रूम के अंदर। लेकिन इसका असली टेस्ट होना बाकी है, क्योंकि हमारी ब्लॉगिंग ज़्यादातर बाहर की तरफ होती है, तो बाहर के शोर में ये कितना नॉइस रिडक्शन कर पाता है तो वो हम चेक करेंगे। तो फटाफट हम चलते हैं बाहर और आपको बाहर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि ये तीनों स्टेज में बाहर किस तरीके से परफॉर्म करता है। मैं ऐसा एरिया चुनूंगा जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ हो, ज़्यादा लोग हो, जिनकी आवाज़ ज़्यादा हो, क्योंकि मोस्टली ऐसी जगह पे मुझे ब्लॉगिंग करने मिलता है जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, तो उनकी नॉइस कैंसिलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना डिस्टर्ब बहुत होता है वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बाहर जाके कैसा है। हाँ जी, तो अभी हम बाहर आ गए हैं और हम लोग अभी बाहर आके हम आपको दिखाए गए, जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम पहले इसके तीनों मोड हम लोग एक्टिव करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम अभी रोड के तरफ जाएंगे। रोड के तरफ जाने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसा आवाज़ है इसका, नॉइस कैंसिलेशन किस तरीके से। रोड है आगे, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी सारी चल रही है, तो देखेंगे कि गाड़ियों की आवाज़ ये बंद कर पाता है कि नहीं बंद कर पाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो है नॉइस कैंसिलेशन, इसका एक्टिव नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको नॉर्मली बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो बाहर की आवाज़ कितनी आ रही है, आवाज़ आ रही है बाहर की। हाँ जी, तो अभी हम इसका नॉइस कैंसिलेशन एक्टिव करेंगे। ओके, तो पहला स्टेज मैंने इसका स्टार्ट कर दिया है, ये पहला ब्लिंक हो चुका है, पहला स्टेज चालू है। अब इसकी आवाज़ कितनी क्लियर है आपको समझ में आ रही होगी, बाहर गाड़ियाँ भी चल रही है, मेरी भी आवाज़ आ रही है, कितनी क्लियर आवाज़ है चेक कर लेते हैं एक बार। अब दूसरे स्टेज पे चलते हैं। 2 बार ब्लिंक हो चुका है और अब मेरी आवाज़ कितनी क्लियर है, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ कितनी आ रही है आप समझ लो, मैं बात कर रहा हूँ आपसे और बाहर से गाड़ियाँ भी चल रही है, कितनी क्लियर है आवाज़। ओके, तो सेकंड स्टेज भी काफ़ी अच्छा था। अब तीसरे वाले स्टेज पे चल के देखते हैं कि कितना अच्छा है। मैं तीसरा स्टेज पे जाने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, तो ये 3 बार तीसरा स्टेज में आ चुका है, 3 बार ब्लिंक हो चुका है और अब आवाज़ मेरी पूरी तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही है आप कमेंट करके बताइए। कितना अच्छा इसका नॉइस कैंसिलेशन है, बाहर की आवाज़ कितनी आ रही है, मेरी आवाज़ कितनी आ रही है, ये परफेक्टली माइक है या नहीं है। अभी हम इसके सारी चीज़ें पहले अभी चेक कर लेते हैं और अगर ये पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गया तो हमारे पैसे बर्बाद है समझ लो। तो देखते हैं, चलिए चेक करते हैं कैसा है। हाँ जी, तो तीनों स्टेज की जो टेस्टिंग है वो प्रॉपरली हो चुकी है और जो माइक है परफेक्ट है। देखिए माइक इतना ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो प्रॉपरली माइक के थ्रू अंदर आएगी। ऐसा है, बाहर की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आ रही है, नॉइस कैंसिलेशन एकदम ज़्यादा परफेक्ट नहीं है बोल सकते, लेकिन 2800 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक माइक है, इतना बुरा भी नहीं बोल सकते और मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। अगर मैं ये माइक बंद कर दूँ और खाली मोबाइल से शूट करूँ तो बाहर की आवाज़ ज़्यादा आएगी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच ही नहीं पाएगी, लेकिन ये माइक यहाँ पे लगा हुआ है तो मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, मेरी आवाज़ प्रॉपरली जा रही है माइक के थ्रू, बाहर की आवाज़ कम आ रही है, मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ओके, तो इस तरीके से है, माइक का रिव्यू हमने किया हुआ है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और क्या कहते हैं उसको, अगर आपको माइक अच्छा लगा है तो आप परचेस कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक दे दूंगा। ये जो माइक है हमने अमेजोन से मंगाया है और एकदम परफेक्ट माइक है, आप इसको ले सकते हैं बेफिक्र होके। और इसमें कम वाला भी आता है जो कि 1700-1800 का आता है, वो उसमें एक माइक और एक कनेक्टर मिलेगा, हमने 2 माइक और एक कनेक्टर वाला लिया है, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा है, 2800 रुपये का है। तो फिर चलिए फिर इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियोस को सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे वीडियोस को और आगे बढ़ा रहे हैं।
और बस आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और भाई सब्सक्राइब भी करो और साथ में शेयर भी करो, कमेंट भी करो और अपने इंस्टाग्राम पेज को फॉलो भी करो। हाँ यार, ये तो बात मैं हमेशा भूल ही जाता था, इंस्टाग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है हमारा, तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो और बस यार अपना प्यार, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, सपोर्ट भी करो भाई हमको। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, अपने आसपास के नेचर का और जानवरों का भी ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।